श्री अकाल, आदाब, और कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे। तो आज का जो सा वीडियो है वो ग्रोसरी के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोटी, कपड़ा, मकान और कार। तो आज जो हम बात करेंगे वो रोटी की करेंगे कि रोटी खाने के लिए हमें कनाडा में एक महीने में कपल को कितना खर्चा आता है। तो उससे पहले मैं एक या दो मिनट आपके लूंगी और आपको ये बताना चाहूंगी कि हर पर्सन का, हर फैमिली का, हर कम्युनिटी का अलग खाने का ढंग होता है। मैं वो बेसिक चीजें कवर करूंगी जो कि एक पंजाबी या इंडियन फैमिली घर पे बनाती है और खाती है। नंबर वन ये हो गया। और दूसरा नंबर, आप कपल आ रहे हैं, आप स्टूडेंट आ रहे हैं, सबका खर्च करने का तरीका अलग होता है। एक स्टूडेंट जो आता है वो टिफिन सर्विस अवेल करता है, पर मंथ उसका 120-200 तक खर्चा आता है। और एक कपल आ रहा है वो प्रेफर करता है कि घर में खाना बनाए क्योंकि वो दो पर्सन है। और अगर एक फैमिली आ रही है वो भी घर में बनाना चाहती है। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर फूड आइटम्स को परचेज करने की बात करें तो दो या तीन मेन ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट उस वो हम बल्क आइटम वहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे वॉलमार्ट है, कॉस्को है, फ्रेशको भी बहुत अच्छा स्टोर है जहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, बट वो किसी किसी सिटी में नहीं होता। तो आज मैं आई हूँ नो फ्रिल्स। नो फ्रिल्स पे मोस्ट ऑफ द आइटम 80% मैं जितनी भी अपनी ग्रोसरी है कर लूँगी और आपको बताऊँगी उनके एवरेज रेट क्या रहते हैं। मैं आपको बता दूँ कि उनके जो रेट है वो चेंज होते रहते हैं, तो मैं आज आपको उनके रेट भी बताऊँगी और टोटल एक्सपेंस बताऊँगी। मैंने 7 कैटेगरीज बनाई हैं और फर्स्ट कैटेगरी पहले कवर करूँगी और फिर उसके बाद 7 कैटेगरीज कवर करूँगी। तो ये नो फ्रिल है और यहाँ पर आपको ग्रोसरी और वो राशन वगैरह, मतलब जितनी भी अनाज की आइटम है, वीट वगैरह सब मिल जाता है। वैसे तो एक इंटरनेशनल सेक्शन भी है जहाँ पर आप इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन कंट्रीज़ की जो भी आइटम्स है ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कवर करेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर 7 कैटेगरी स्टार्ट करके टोटल एक्सपेंस बताऊँगी। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करें तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वो आलू प्याज आता है। तो जो आलू है उसका रेट 5 kg $6 है, तो मेरा मंथली $6 ही खर्चा आता है। और अगर अनियन की बात करें तो $9 5 kg का रेट है और मंथली भी मेरा इतना ही लग जाता है 2 पर्सन के लिए। तो आलू प्याज के बाद गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली आता है। इसका एवरेज 500 ग्राम का रेट $3 है। तो अगर मैं एक एक डॉलर की बात करूं तो मेरा मंथली जो सा खर्चा आता है, पहले वीकली बता देती हूँ, $3, और जो मंथली होगा वो मेरा $12 रहेगा। ऐसी टोमेटो है, $3 500 ग्राम के हैं और मेरा जो मंथली लगता है वो $12 का टोमेटो लग जाता है। तो ये 2 पर्सन के हिसाब से हैं, आप कम या ज़्यादा अपने आप से कर सकते हैं। उसके बाद एवोकाडो आता है, $2 पर पीस होता है। और लेमन की पहले मैं बात कर लेती हूँ, लेमन $1 अप्रोक्सीमेट, जैसे 79 सेंट लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट लगा रही हूँ $1, तो हम $4 मैं लेमन का रेट लगाती हूँ। और एवोकाडो $2 पर पीस है तो $8 मैं लगा रही हूँ मंथली। तो वो आप देख सकते हैं, आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कई बार हम ज़्यादा भी ले आते हैं, कम भी मैंने एवरेज लगाया है, कई बार नहीं भी लाते। तो अब मैं वेजिटेबल्स की बात करूँगी। वेजिटेबल्स हम वीकली 3 यूज़ करते हैं, तो उसके अलावा दालें वगैरह बनाते हैं, पल्सेस। तो जो एवरेज रेट है वो $3 है, मैं 500 ग्राम की बात कर रही हूँ, आधा किलो की। आधा किलो जैसे भिंडी ले आए, आधा किलो मेथी ले आए, तो आधा किलो $3 का है। पहले मैं वीकली बता देती हूँ, 3×3 = $9, एंड मंथली जो हमारा आता है $36 सब्जियों पर खर्च आता है। तो मैं अभी सब्जियाँ आपको सारी रेट्स दिखा देती हूँ, एवरेज रेट लगाया मैंने, किसी का 2.5 भी है, किसी का $3 है, किसी का 4 है, किसी का $5 है। अब कहीं पर पीस के हिसाब से भी मिलते हैं, जैसे शिमला मिर्च अभी मैं दिखाती हूँ आपको, वो पर पीस के हिसाब से मिलती है। तो वो आप अलग स्टोर में अलग ही रेट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द आइटम्स इसी रेट पे लगी होती है। ये देखिए, जैसे ये मशरूम पड़ी हुई है, तो ये देखो 2.49 की है। ये शिमला मिर्च का पीस है, ये $2 का है, ये पर पीस है, तो ये पर पीस ही बहुत बड़ा होता है वैसे। तो ये सारी आइटम्स हैं जो कि वेजिटेबल्स में आ जाएंगी, पोटैटो, अनियन, टोमेटो, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, एवोकाडो, लेमन एंड वेजिटेबल्स। तो टोटल जो एक्सपेंस होगा हमारा वेजिटेबल्स पर $87 होगा। तो अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो जो पर वीक फ्रूट हम यूज़ करते हैं वो 3 एवरेज यूज़ करते हैं। तो फ्रूट कोई भी हो सकता है,
जैसे कभी वाटरमेलन ले आते हैं हम, कभी पपीता ले आते हैं, कभी केला ले आते हैं, कभी कोई आइटम ले आते हैं। तो मैं $5 500 ग्राम का रेट बता रही हूँ, ये एवरेज रेट है, किसी का क्या होगा किसी का क्या। तो अगर हम मंथली बात करें तो $60 हम फ्रूट पे खर्च करते हैं, तो टोटल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हो गया वो 147 है। तो अब हम आए हैं इंडियन स्टोर। इंडियन स्टोर हर रीजन में अलग अलग होता है। हमारे यहाँ जो सा इंडियन स्टोर है वो थियारा के नाम से है, थियारा इंडियन स्टोर। तो वहाँ पर पाकिस्तानी आइटम्स भी मिल जाएंगी, पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पीपल रहते हैं वो भी मतलब पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए हैं वो भी यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, हम इंडियंस भी यहीं करते हैं, तो क्योंकि उनका भी खाने पीने का जो भी है मोस्ट ऑफ द सेम ही है खाना पीना उनका भी। तो ये हमारे यहाँ थियारा के नाम से है सुपरमार्केट। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ लेनी है जैसे आपको, तो वो यहाँ पर मिलती हैं। और अगर आप इस मार्केट में आएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप इंडिया में ही आ गए हो और इंडिया के किसी स्टोर से, महाजन की स्टोर से शॉपिंग कर रहे हो। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही हार्ड वर्क किया है और छोटी छोटी आइटम्स कवर की हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आप लाइक करना मत भूलें और आगे ही मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, सिर्फ देखें नहीं और सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले हम इंडियन स्टोर में फ्लावर एंड राइस कवर करेंगे। फ्लावर में मैं शेर का आटा लेती हूँ, कभी कभी आशीर्वाद का भी लेती हूँ। तो ये 10 केजी का रेट है $17। तो एक मंथ में हमारा 10 केजी लग जाता है। इसके अलावा आशीर्वाद ब्रांड भी मिलता है जो कि इंडिया में भी बहुत फेमस है, और भी 3-4 ब्रांड हैं जैसे दीप ब्रांड भी आता है यहाँ पर। तो ज़्यादातर हम आशीर्वाद या फिर ये शेर आटा लेते हैं। इसके अलावा बेसन की बात करें तो $3 per kg का रेट है। तो हम जैसे कभी ढोकला बना लेते हैं, चिल्ला बना लेते हैं और कढ़ी बहुत बनती है हमारे घर, तो मंथली 1 kg हमारा बेसन लग जाता है। तो उसके अलावा आटे में क्या आता है, ज्वार फ्लावर आता है, बाजरा का, रागी का। तो $5 में इसका एवरेज प्राइस लगा रही हूँ, किसी का 4 है किसी का 6 है। तो उसके अलावा सूजी हमारी $2 से $3 लग जाती है। सूजी भी कर सकते हो और पोहा भी कर सकते हो, तो वो स्नैक्स वगैरह के लिए। तो अभी ये जो राइस है, जो राइस का रेट है वो भी $10 है, 5 kg का जो पैक है वो हमारा मंथली लग जाता है। तो टोटल मंथली एक्सपेंसेस जो कि हमारा फ्लावर एंड राइस भी होगा $48 होगा। अब हम आते हैं ऑयल एंड घी पे। तो मैं मेन जो 3 ऑयल या घी यूज़ करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी एंड एवोकाडो। तो ऑयल जो सा है $8 per liter, ये मैं सरसों के तेल की बात कर रही हूँ, पतंजलि भी है, डाबर भी है, तेज ब्रांड है यहाँ पर एक। उसके अलावा देसी घी है वो $22 का 1.6 liter आता है। मैं ये ब्रार का लेती हूँ, इसके अलावा नानक या 2-3 और ब्रांड भी हैं बट मैं ब्रार का ही लेती हूँ। एवोकाडो ऑयल $10 500 ml है, वो मेरा मंथली उतना ही खर्चा होता है। तो टोटल जो मेरा ऑयल एंड घी पे खर्चा होगा वो $40 होगा। अब बात करते हैं पल्सेस की। तो पल्सेस हमारी एवरेज 5 दालें हम मैं लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारी दालें हैं, हम सारी वैरायटी ही खाते हैं, चाहे माँ साबत है, काली पीली दाल है, सांभर दाल है, और उसके अलावा काले चने हैं, वाइट चना है। तो पल्सेस का जो रेट है वो पर केजी के हिसाब से $3 है, क्योंकि कुछ $5 per kg हैं, कुछ $2 है, तो मैंने $3 एवरेज रेट लगाया है। तो अगर मैं 5 दालों की बात करूं, उसमें कुछ भी आ जाएगा, छोले या कुछ जो भी है, तो $2 के हिसाब से हमारा खर्चा होता है, पूरी 1 किलो नहीं लगती। तो 5 पल्सेस में हमारा जो सा टोटल खर्चा होगा वो $10 होगा। तो $10 हमारा दालों पे खर्च होता है। उसके अलावा मसालों का देखो रेट अलग अलग है। तो अगर हम मसालों की बात करें तो मैं 12 मसाले यूज़ करती हूँ। इन 12 मसालों का मैंने $1 लगाया है, क्योंकि 400 ग्राम का जो रेट है वो किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5 भी हैं, जैसे काली मिर्च वगैरह वो चीज़ें महंगी भी होती हैं। तो एवरेज रेट ईच स्पाइस का मैंने लगाया है $4, तो 400 ग्राम के पीछे। तो जो एक्सपेंस होता है ईच स्पाइस $1 लगाया है, तो 12 के हिसाब से 12 स्पाइस अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो $12 मेरा टोटल स्पाइसेस पे खर्च होता है। तो कम या ज़्यादा आप अपने आप कर सकते हैं, आपको लगता है आप ज़्यादा खाते हैं। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अब ये मैं थोड़े बहुत रेट बता रही हूँ जैसे कोरिएंडर का, ब्लैक पेपर का, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं। सौंफ, क्यूमीन $4 400 ग्राम, मतलब जीरा तो हम हर चीज़ में डालते ही हैं, तो 100 ग्राम लग जाता है हमारा महीने में। गरम मसाला, अब कहीं ज़्यादा ही जीरा यूज़ करते हैं, उसको भून के भी रखते हैं, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं फैमिली टू फैमिली। बस बेसिक यही है कि इतना यूज़ होता है। यहाँ पर आपको हर वैरायटी मिल जाएगी, मतलब इतने आपको इंडिया में मसाले नहीं मिलेंगे जितने आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब ड्राई फ्रूट्स की बात करें, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का।
तो ड्राई फ्रूट में मैं 5 या 6 ड्राई फ्रूट तो यूज़ करती हूँ, तो वो डिपेंड करता है, सबके रेट्स अलग अलग हैं। तो मैंने जो एवरेज रेट लगाया $5 लगाया पर 500 ग्राम, जैसे बादाम का रेट यही है तो वो मैंने $5 ही लगा लिया है 500 ग्राम का। तो अगर 7 मैं ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ तो $35 मेरा मंथली ड्राई फ्रूट्स पे होता है खर्चा। अब वो भी डिपेंड करता है, कई बार ज़्यादा कई बार लोग यूज़ करते हैं या कभी खीर बना रहे हैं कुछ बना रहे हैं, मेरा इतना ही खर्च होता है। और इसमें पम्पकिन सीड और चिया सीड्स और वो भी सीड्स इंक्लूडेड है। तो अब इसके अलावा टी मिल्क की बात करें, स्नैक्स की बात करें, तो टी $12 का 1 kg, ये मैं बाग बकरी लेती हूँ, $4 मंथली मेरा खर्च होता है। ज़्यादा चाय नहीं हम पीते हैं बट इसके हिसाब से $4 मंथली खर्च होता है। तो शक्कर यूज़ करते हैं 1 kg $5 की है और वो हमारा मंथली इतना ही आता है। उसके अलावा मैं स्वीटनर यूज़ करती हूँ, $10 की 1 kg आती है किसी भी आइटम में डालने के लिए, मतलब मैं थोड़ा चीनी या शक्कर अवॉइड करती हूँ तो वो इतना खर्चा है इसका। इसके अलावा बिस्किट की बात करें, $3 का एक पैक होता है, तो मतलब कोई भी हम अच्छा बिस्किट ले लेते हैं जो हरी मतलब शुगर फ्री या फिर कुछ ऐसा हो जो हेल्दी ऑप्शन हो। उसके अलावा पॉपकॉर्न है $8, 10 बैग आते हैं तो हमारे मंथली $32 मंथली लग जाता है। ऑर्गेनिक पॉपकॉर्न है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, तो ये भी हम यूज़ करते हैं। तो मिल्क की बात करें, यहाँ पर 3% और 2%, ये दो ऑप्शन होते हैं और अलग अलग ब्रांड भी होते हैं, तो हम पर लीटर पर डे के हिसाब से लेते हैं। तो ये यहाँ 4 लीटर का एक बैग आता है जिसकी जो कीमत है वो $7 होती है, जो हम 3% लेते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो जो मंथली हमारा एक्सपेंसेस आता है वो मिल्क पे $50 आता है। तो मैं ये पर डे के हिसाब से बता रही हूँ कि पर डे हमारा 1 लीटर लगता है और $7 का 4 लीटर का एक पैक आता है, तो $50 हमारा मंथली लगता है। और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये रेड कलर का है, उसके अलावा ब्लू कलर का बैग होता है, वो 2% होता है। उसके अलावा हम स्नैक्स की बात करते हैं, अगर हम सैंडविच बनाते हैं तो मैं होल व्हीट जैसे ब्रेड ले लेती हूँ, चीज़ वेजिटेबल्स, ये $15 पर वीक के हिसाब से बता रही हूँ, $5, $5, $5। तो अगर 4 वीक की बात करें तो $60 हमारे सैंडविच पे खर्च होते हैं। तो टोटल टी शक्कर स्वीटनर बिस्किट पॉपकॉर्न मिल्क एंड सैंडविच पे टोटल जो हमारा एक्सपेंसेस होता है $135 होता है। ये मैं रेट्स बता रही हूँ कुछ, जैसे नानक पनीर है या फिर कॉफ़ी है, जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किए खर्चे में, वो ऑप्शनल है क्योंकि पनीर दही और ये सब कुछ हम घर ही बनाते हैं। तो जैसे ये मैगी का पैकेट है 33 सेंट का, तो उसके अलावा बहुत सारी और आइटम हैं जो कि कई बार ली जाती हैं, जैसे ये दही है, दही में जैसे हम घर जमाते हैं, ये दही के पैक हैं, कुछ 2% हैं, कुछ 3% हैं, तो वो भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कुछ 2 या 3 ऑप्शन ही होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं। इसके अलावा जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से आप इंडियन स्वीट्स भी खरीद सकते हैं, तो ग्रोसरी इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर इंडियन जो भी स्वीट्स हैं मिठाइयाँ हैं वो खरीद सकते हैं और खा सकते हैं, वो उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने 7 कैटेगरीज बीच में डाली हैं, तो इन सारी कैटेगरीज का जो टोटल खर्चा होगा वो $457 होगा, पर वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो $120 या $110 बन रहा है। तो यही अप्रोक्सीमेट आपका 1 month का खर्चा आता है। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा बहुत हार्डवर्क लगा है इसके ऊपर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। I need you to stay here later.